चलिए, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार एग्जाम्पल पे। मैं विवेक सिंह आपके सामने एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस का पिटारा लेके आया हूँ, जो आपके एग्जाम में संभावित प्रश्न होंगे। आप जैसे आरआरबी, एनटीपीसी का, एसएससी, सीजीएल का और ऐसे ही तमाम अपकमिंग एग्जाम्स को देने वाले हैं, तो उसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस का पिटारा आपके सामने लेके आया हूँ। तो जरा मैं आपको बता दूं, कल की क्लास से आज के आरआरबी एनटीपीसी में दो सवाल आए थे। कल के हमने 18 सवाल किए, उन 18 सवाल में से आज हमारे एग्जाम में दो सवाल आए थे। आज आइए, कुछ अच्छे सवालों को आपके सामने मैं लेकर आया हूं। चलिए, हम बच्चे कमेंट दिखाना है इस पर बच्चों का। चलिए, चलिए ध्यान देंगे सभी लोग, सभी बच्चे लाइव आ जाएं, सभी बच्चे लाइव आ जाएं। चलिए देखते हैं कितने बच्चे लाइव हैं भाई। चलिए भाई, सभी बच्चों के कमेंट में देख पा रहा हूँ। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, सभी के सभी को भाई गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए, तो ध्यान देंगे बच्चे, आज की क्लास को शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल थॉट को अपने दिमाग में बिठा लेंगे। और वो मोटिवेशनल थॉट हमारे दिमाग में क्या होगा कि ध्यान रखेंगे, कठिन परिश्रम हमें वहां पहुंचा सकता है। अजी क्या, कठिन परिश्रम हमें वहां पहुंचा सकता है जहां हमें हमारी किस्मत नहीं पहुंचा सकती। तो आपने जो ठान लिया है उसे पूरा करेंगे अपनी कठिन परिश्रम के साथ, ना कि भाई क्या आप किस्मत के सहारे रहेंगे, कहीं किस्मत आपके सहारे ना बैठा हो। चलिए पहला सवाल देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोर फ्लेक्सिबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर फ्लेक्सिबल, निम्नलिखित में से किसकी प्रत्यास्था सबसे अधिक है। जल्दी से बताएंगे कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रत्यास्था किसकी होगी। जल्दी से बताएंगे बच्चों, जल्दी से बताएंगे इसका जवाब। मैं आपके कमेंट्स को देख रहा हूं, जल्दी से जवाब देंगे इसका। क्या है भाई जो पहला सवाल है आपके सामने, से जवाब देंगे। चलिए चलिए, नितिन कुमार जी कह रहे हैं चार पेपर आए, राम 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 बच्चे सभी को, राम राम सभी को, राम राम है भाई। आइए पहले सवाल का हम जवाब देखें, कोशिश करेंगे। चलिए, जो पहला सवाल है वो क्या कह रहा है हमारे सामने, डी 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 डी, बच्चे डी जवाब दे रहे हैं, इन सभी का बराबर है। जल्दी से बच्चे इस सेशन को शेयर करेंगे अपने जितने भी ग्रुप हैं। ए, चलिए ए कह रहे हैं बच्चे, जितने भी आपके ग्रुप हैं इसको शेयर करेंगे, जितने भी आपके ग्रुप हैं उसमें शेयर करेंगे बच्चे, जल्दी से इसको शेयर करेंगे और जल्दी से सेशन शेयर करें। आइए पहला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी प्रत्याशा सबसे अधिक है। जो बच्चे ए जवाब दे रहे हैं, रबड़ 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 रबड़, चलिए रबड़ 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 रबड़, जल्दी हो जल्दी जवाब देंगे। मैं आपके जवाबों को चेक कर रहा हूँ, जल्दी बताएंगे, जल्दी आप जवाब देते रहेंगे बच्चे, जल्दी जवाब देंगे। मैं आपके कमेंट्स को चेक करता हूँ, जल्दी बताएंगे यहाँ पे, जल्दी से पहले लाइव 50 बच्चे लाइव हो जाएं, जल्दी लाइव हो जाएंगे 50 बच्चे। मैं आपके कमेंट्स को चेक करता हूँ तब तक। चलिए अच्छे सभी गुड इवनिंग है। चलिए, तो जिन बच्चों का जवाब क्या रहा है भाई, रबड़ आ रहा है, वो बच्चे बिल्कुल सही हैं। जो बच्चे रबड़ जवाब दे रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। इनमें से कौन सा वो तत्व है भाई जो आप रबड़ की बात कर रहे हैं। मैं रबड़ की बात करूं अगर यहाँ पे, आप पहले क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही टिक लगा रहे हैं, पहले क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए देख पा रहे हैं आप, क्या जो आपका रबड़ है, जो रबड़ यानी जो आपका क्या भाई रबर है, ये इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, इलास्टिसिटी पाई जाती है। इलास्टिसिटी मतलब क्या, प्रत्यास्था, प्रत्यास्था जो होता है वो किस में सबसे ज्यादा होता है, तो यह रबड़ में सबसे ज्यादा होता है। जो रबड़ में सबसे ज्यादा आप प्रत्यास्था को देख पाओगे, और ध्यान देंगे कि प्रत्यास्था होती क्या है, ध्यान देंगे प्रत्यास्था होती क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए बच्चे, मेरे सामने ये एक स्पेक है, ये स्पेक्स का है, मैं इसमें अगर बाहर से प्रेशर लगाऊं, मैं अगर इसमें बाहर से प्रेशर लगाऊं तो इसमें इसके शेप में परिवर्तन होगा, और मैं छोड़ दूं इसको तो यह अपने ओरिजिनल भाई क्या, अपने ओरिजिनल पोजिशन में आ जाएगा। इसे ही कहते हैं क्या,
प्रत्यास्था कहते हैं इसे, क्या इसे ही क्या कहते हैं भाई, इसे प्रत्यास्था कहते हैं। किसको प्रत्यास्था कहते हैं? जब भी हम क्या करते हैं भाई, जब भी हम किसी भी चीज पर बाहर से प्रेशर लगाएं तो उसके शेप में चेंज हो जाए, उसके शेप में चेंज हो जाए और कुछ देर बाद उसका शेप क्या हो, जब उसमें से हम एक्सटर्नल फोर्स को हटा दें तो उसका शेप क्या हो जाए, दोबारा से वही हो जाए, इसी को कहते हैं क्या हम, इसको हम प्रत्यास्था कहते हैं। चलिए आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं, अगले सवाल बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल क्या है हमारे सामने कि अगला सवाल, स्थायी चुंबक के लिए, स्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु है, क्या है? आइए देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन, जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, आइए इस पे बात करते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने, आप सभी की टीवी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो सेकंड क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे उपयुक्त धातु क्या भाई, सबसे उपयुक्त धातु क्या पूछ रहा है चुंबक के लिए, तो जल्दी बताएंगे भाई, चुंबक के लिए स्थायी चुंबक, स्थायी चुंबक के लिए, स्थायी चुंबक के लिए भाई क्या, प्रतिष्ठा दुबे जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चे, तनुजा रावत, इलास्टिसिटी मींस फ्लेक्सिबिलिटी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ध्यान देंगे बच्चे, क्या ध्यान देंगे, जो दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल क्या कह रहा है हमसे, जो सेकंड है वो हमसे कह रहा है क्या कि स्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु, स्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु क्या है, आयरन, आयरन कह रही है मैम। चलिए और बच्चों के ऑप्शन देखूं मैं, और बच्चे बताएं जल्दी से कि द मोस्ट सुटेबल मेटल फॉर परमानेंट मैग्नेट, ध्यान देंगे जो परमानेंट मैग्नेट के लिए, परमानेंट मैग्नेट की अगर बात करूं मैं, अगर मैं बात करूं किसके बारे में, परमानेंट मैग्नेट के बारे में बात करूं, किसके बारे में, स्थायी चुंबक के बारे में, तो आप सभी क्या, आप सभी इसमें कंफ्यूज हो जाओगे और आप सभी क्या टिक कर दोगे, आयरन टिक कर दोगे। जिन बच्चों का आयरन जवाब आ रहा है वो बिल्कुल ही गलत है, वो भाई क्या, वो निहायत ही गलत है। अदिति शिवहारे जी कह रही हैं लोहा, गलत है बच्चे। यादव का छोरा ए, तांबा, गलत बच्चे, आप भी गलत है, आप भी गलत है बच्चे, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे बच्चे क्या, जल्दी जल्दी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा भाई, आप ऑप्शन सी देख पा रहे होगे, ऑप्शन सी इस्पात, जो आप इस्पात देख पा रहे हो, आप जो क्या देख पा रहे हो, स्टील देख पा रहे हो, जो स्टील है ये सही जवाब होगा क्या, परमानेंट मैग्नेट के लिए, स्थायी चुंबक के लिए, जो आप स्टील की बात करते हैं, स्टील क्या है इसका, स्टील सही जवाब होगा। अगर स्टील के बारे में बात की जाए, जो स्टील होगा ये क्या होता है बच्चे, जो स्टील होता है ये सबसे ज्यादा क्या भाई सुटेबल होगा किसके लिए, परमानेंट मैग्नेट के लिए। अगर बात की जाए स्टील में, तो स्टील में 0.1 से 0.5% तक क्या पाया जाता है, तो स्टील में 0.1% से 0.5% तक क्या पाया जाता है आपके, कार्बन की मात्रा पाई जाती है, किसकी मात्रा पाई जाती है, कार्बन की मात्रा पाई जाती है 0.1% से लेकर 0.5% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। और ध्यान देंगे इसमें इस्पात के साथ क्या मिलाया जाता है, परमानेंट मैग्नेट में, स्थायी चुंबक में स्टील इस्पात के साथ क्या मिलाया जाता है, तो ध्यान देंगे जो कोबाल्ट धातु होती है ये आपके स्टील के साथ मिलाई जाती है परमानेंट मैग्नेट को तैयार करने के लिए क्या स्टील के साथ कोबाल्ट धातु मिलाई जाती है। कोबाल्ट धातु मिलाई जाती है किसके साथ भाई, इस्पात के साथ, स्टील के साथ, ठीक है। तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए सबसे उपयुक्त धातु क्या होगी, तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए सबसे उपयुक्त धातु मानी जाती है आपकी क्या, मेटल, जिसे कहते हैं, सॉरी आपका क्या, स्टील, जिसे इस्पात कहते हैं। आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं, तीसरा सवाल आपके सामने दिख रहा होगा, जो तीसरा सवाल है वो क्या है भाई, आइए थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, तो आइए थर्ड क्वेश्चन पे बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है क्या, थर्ड क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, बच्चे स्क्रीन पर लगा देंगे थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमसे कि द्रव्य का अणु भार बढ़ने से उसकी श्यानता, श्यानता की बात आई, किसकी बात आई भाई, श्यानता, श्यानता को हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं श्यानता को। समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही अच्छे कंसेप्ट से इसको बताऊंगा मैं, उधर लगा देंगे जरा इस क्वेश्चन को, उस साइड कर देंगे। ध्यान देंगे कि जो श्यानता की अगर बात की जाए बच्चे, श्यानता, प्रतिष्ठा दुबे सी कह रही है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नितिन कुमार, प्रतिष्ठा दुबे कॉपर। चलिए बच्चे ध्यान देंगे, जो अगर मैं श्यानता की बात करूं, अगर मैं विस्कोसिटी की बात करूं, तो विस्कोसिटी क्या होता है, श्यानता क्या होती है, मान लो मेरे पास कोई फ्लूड है,
कोई मेरे पास फ्लूड है और अगर मैं उस फ्लूड को क्या करूं, जमीन पर बिखेर दूं, जमीन पर बिखेर दूं, तो जो जितना ज्यादा बिखरेगा, मतलब जैसे मान लो कि मेरे हाथ में क्या है भाई, पानी है और दूसरे हाथ में ऑयल है, और मैंने उन दोनों चीजों को क्या कर दिया, जमीन पर गिरा दिया, मैंने उन दोनों चीजों को क्या कर दिया, जमीन पर गिरा दिया, तो जरा मुझे बताओ ज्यादा दूर तक कौन फैलेगा। तो आप सभी जानते हो ज्यादा दूर तक पानी फैलेगा इन कंपैरिजन टू व्हाट, इन कंपैरिजन टू ऑयल। यही होता है क्या, श्यानता यानी विस्कोसिटी। ध्यान देंगे, कभी भी विस्कोसिटी किस पे नहीं होती, ठोस में विस्कोसिटी नहीं होती। विस्कोसिटी की जो प्रक्रिया होगी ये गैस के साथ साथ किस में होगी, ये गैस और द्रव्य में होगी। जब और इसका चेंज कैसे होगा, जब भी किसी माध्यम को बदला जाएगा, जब भी किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लेके जाया जाएगा, तो विस्कोसिटी में आपको देखने को क्या मिलेगा, चेंज देखने को मिलेगा। तो बच्चे ध्यान देंगे, तनुजा रावत कह रही है इंक्रीज, वेरी गुड, सही बात है बच्चे। जब भी द्रव्य का अणुभार बढ़ने से उसकी श्यानता, मतलब मान लो कोई भी द्रव्य है, पानी हल्का है इन कंपैरिजन टू ऑयल, पानी हल्का है इन कंपैरिजन टू ऑयल, क्योंकि ऑयल के अणुभार ज्यादा है इन कंपैरिजन टू वॉट, वॉटर, पानी के मुकाबले। जो आपका क्या है भाई, जो आपका ऑयल है उसमें अणुभार ज्यादा है, तो अगर दोनों को बखेरा जाएगा, अगर दोनों को बिखेर दिया जाएगा, तो क्या होगा, जो ऑयल है वो कम फैलेगा, किसके कंपैरिजन में, वॉटर के कंपैरिजन में क्या होगा, कम फैलेगा। तो क्या होगा कि विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड ड्यू टू इंक्रीज, मतलब द्रव्य का अगर अणुभार बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो विस्कोसिटी क्या होगी, हमेशा हमेशा घटेगी। जो विस्कोसिटी होगी ये क्या होगी, घटेगी, अगर हम अणुभार बढ़ाएंगे, अगर हम क्या करेंगे, अणुभार बढ़ाएंगे, सॉरी सॉरी बढ़े घटेगी नहीं, सॉरी, ये क्या होगी, बढ़ेगी, ये क्या होगी, बढ़ेगी, हमेशा हमेशा क्या होगी भाई, बढ़ेगी, अगर हम द्रव्य का अणुभार बढ़ाएंगे। और अगर मैं बात करूं श्यानता के बारे में, तो श्यानता क्या होता है, रेजिस्टेंस टू फ्लो, इसके बारे में बात कही जाती है कि क्या होता है, रेजिस्टेंस टू फ्लो, यानी कि बहाव में क्या भाई, बहाव में प्रतिरोध की अगर बात की जाए, बहाव में किसके बारे में बात की जाए, प्रतिरोध के बारे में बात की जाए, तो किससे तात्पर्य करता है, ये सीधे सीधे श्यानता की बातें करता है। सर एनटीपीसी सेकंड फेज का इंटीमेशन लिंक आ गया, हाँ जी आ गया है आपके, चलिए ध्यान देंगे, अगले सवाल कंप्यूटर साहब अगला सवाल लगाएंगे और अगला सवाल देखेंगे क्या कहता है, जो अगला सवाल है वो क्या कहता है, ध्यान देंगे सभी बच्चे, अगला सवाल क्या कहता है, आइए ध्यान देंगे अगले सवाल पे, क्या कहता है अगला सवाल हमसे, तो अगला सवाल क्या है भाई, हमसे अगला सवाल कहता है कि श्वेत प्रकाश में देखने पर साबुन के बुलबुले में रंग दिखाई पड़ता है, क्या भाई, क्या कहता है सवाल अगला, श्वेत प्रकाश में देखने पर, श्वेत प्रकाश में देखने पर क्या साबुन के बुलबुले में रंग दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि उसका क्या होता है, ध्यान देंगे उस साथ कौन सी प्रक्रिया होगी, ध्यान देंगे, जब भी श्वेत प्रकाश, अगर मैं बात करूं श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट, अगर मैं व्हाइट लाइट की बात करूं, अगर मैं व्हाइट लाइट की बात करूं, श्वेत प्रकाश की बात करूं, और ये क्या हो किसी बुलबुले से, ऐसे मान लो कि कोई आपका क्या है भाई, वाटर ड्रॉपलेट है, और यहां से क्या हुई, कोई व्हाइट लाइट गुजरी, व्हाइट लाइट गुजरी, और इसमें जो आपको अलग अलग कलर्स दिखते हैं, जो यहाँ पे आपको रंग दिखेंगे, जो आपको क्या दिखेंगे बच्चे, कलर्स दिखेंगे, ये किस वजह से दिखेंगे, तो ध्यान देंगे ये दिखते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये किसकी वजह से दिखते हैं, ध्यान देंगे ये किसकी वजह से दिखते हैं, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से, किसकी वजह से, व्यतिकरण की प्रक्रिया की वजह से, जो व्यतिकरण की प्रक्रिया होती है, इस वजह से जो पानी के बुलबुले होते हैं, जो पानी के बुलबुले होते हैं उसमें क्या दिखता है भाई, जो पानी के बुलबुले होते हैं उसमें कौन क्या दिखता है आपको, उसमें आपको रंग दिखाई देते हैं, किसकी वजह से, इंटरफेरेंस की वजह से। और जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है ये क्या है, ये प्रकाश के किस गुण को दिखाता है, तो ध्यान देंगे ये प्रकाश के तरंग गुण को दिखाता है, ये क्या दिखाता है भाई, प्रकाश के किस गुण को, तरंग गुण को। और अगर बात की जाए तो प्रकाश हमेशा दो गुण दिखाते हैं, जो प्रकाश होता है, जो लाइट होता है, इसके दो गुण होते हैं, एक कौन सा, एक तरंग वाला गुण होगा, और जो दूसरा होगा वो कौन सा गुण होगा, कण वाला गुण होगा, एक तरंग वाला गुण होगा, एक कण वाला गुण होगा। और जो व्यतिकरण है बच्चे ध्यान देंगे, जो आप व्यतिकरण देख पा रहे हो, व्यतिकरण क्या बताता है,
तरंग वाले गुण को बताता है और व्यतिकरण के बारे में किसने समझाया था, इसकी थ्योरी किसने दी थी? तो यंग साहब नाम के एक व्यक्ति थे, उनका नाम था यंग। आपने अपने स्कूल में पढ़ा होगा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो जो यंग साहब थे उन्होंने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में बात की थी, प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में बात की थी। किसने? आपके कौन भाई? आपके यंग साहब ने। और अगर बात करें और ऑप्शंस की, कुछ बच्चे प्रकीर्णन 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 कह रहे हैं। बच्चे प्रकीर्णन की अगर मैं बात करूं, अगर आपको कभी भी प्रकीर्णन का सही टिक मारना है तो इसकी आपको एक ट्रिक बताता हूं। जो बच्चे लाइव हैं, बच्चे ध्यान सुनेंगे, अगर आपको प्रकीर्णन के बारे में ट्रिक जाननी है कि प्रकीर्णन की प्रक्रिया कैसे होती है, तो ध्यान देंगे। जब भी आपको किसी बड़े प्राकृतिक, क्या भाई, बड़ी प्राकृतिक वस्तुओं के रंग के बारे में बताए, किसके बारे में? बड़ी प्राकृतिक वस्तुओं के रंग के बारे में। जैसे मैं बात कर लूं, क्या बादल का सफेद, बादल का क्या दिखना भाई? सफेद दिखना। अगर मैं बात करूं समुद्र का, क्या समुद्र का क्या दिखना? नीला दिखना। और अगर मैं बात करूं ऐसे ही सूर्य का, सूर्य अस्त और सूर्योदय के समय कैसा दिखना? लाल दिखना। अगर ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं तो यह एग्जाम्पल होती है किसकी भाई? आपके। यह एग्जाम्पल होता है प्रकीर्णन के बारे में। यह हमेशा किसके बारे में बताएगा? प्रकीर्णन के बारे में बताएगा, जिसमें बड़ी नेचुरल ऑब्जेक्ट, जो बिग नेचुरल ऑब्जेक्ट है उनके बारे में बात करता है भाई। क्या उनके बारे में बात करता है? क्या भाई उनके बारे में क्या बात करता है? तो आपका ये प्रक्रिया बात करती है। चलिए बच्चे सभी बताएं, क्या आपको क्लियरली विजिबल है अपने फोन पे? चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चे और ध्यान देंगे, आगे देखेंगे और देखेंगे, इसके बारे में बात करेंगे अगले सवाल पे। तो कंप्यूटर जी अगला सवाल लगाएंगे, कंप्यूटर जी अगला सवाल लगाएंगे और अगले सवाल की हम बात करते हैं। क्या कि अगला सवाल क्या कहता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। जेलीटोज, नो 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 नो, क्या नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या होता है जेलीटोज जी, बताएं? प्रकीर्णन में क्या होता है जल्दी बताएंगे तब। स्कैटरिंग में और क्या होता है? मुझे तो यही पता है, आपको अगर ज्यादा पता होगा तो प्लीज आप कमेंट करेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि स्वचालित वाहनों में द्रव्य चलित ब्रेक कार्य करते हैं। क्या कहता है भाई? फ्लूइड ड्राइव्स ब्रेक्स इन ऑटोमेटिक व्हीकल। ध्यान देंगे, जो ऑटोमेटिक व्हीकल होते हैं, बहुत ही अच्छा इसमें आपको एक कंसेप्ट में बात करूंगा। जब भी बच्चे, क्या अगर मैं बात करूं, जो ऑटोमेटिक व्हीकल्स होते हैं, जो ऑटोमेटिक व्हीकल्स होते हैं, ऑटोमैटिक, क्या भाई, ऑटोमैटिक व्हीकल्स की बात की जाए, और इसमें जो होते हैं, क्या भाई, फ्लूइड ब्रेक। इसमें जो फ्लूइड ब्रेक होते हैं, मतलब जो द्रव्य वाले ब्रेक होते हैं, ये किस थियरी पे कार्य करते हैं जल्दी बताएंगे। बहुत बार पूछा है, बहुत बार आपके एग्जाम में, मुकेश जी अप्रैल में आपकी ग्रुप डी की परीक्षा होगी, आपके एग्जाम में कई बार पूछा है क्या ये भाई, क्या कि फ्लूइड ब्रेक ऑटोमेटिक व्हीकल में किस थियरी पे कार्य करता है। आपके सामने ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, किस थियरी पे काम करता है जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे बच्चे। क्या तो ध्यान देंगे, आपने पढ़ा होगा क्या पास्कल का सिद्धांत, आपने पास्कल का सिद्धांत पढ़ा होगा। एक साहब थे पास्कल, आपने क्या पढ़ा होगा भाई, आपने पास्कल की थियरी पढ़ी होगी, और आपको पता है कि पास्कल किसकी यूनिट है? तो पास्कल प्रेशर यानी कि दाब की इकाई है। दाब की इकाई क्या होती है? पास्कल होती है। और पास्कल की थियरी क्या कहती है? ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, पास्कल की थियरी क्या कहती है, इसको मैं विजुलाइज कराने की कोशिश करूंगा। चलिए ध्यान देंगे, इसे मान लीजिए आपके सामने ये क्या है भाई, एक ये स्पंज वाली बॉल है। ये क्या है? स्पंज वाली बॉल है। और इसको मैं पानी में भिगो दूं, मैं क्या करूं, ये स्पंज वाली बॉल है, इसको मैं पानी में भिगो दूं, और इसमें मैं एक एक्सटर्नल प्रेशर, ऐसे मैं क्या करूं, इस पर एक्सटर्नल प्रेशर लगाऊंगा, तो जैसे प्रेशर लगेगा, जो मैं प्रेशर इस फोम पे लगाऊंगा, तो सभी पॉइंट्स पे ये प्रेशर क्या होगा, सभी पॉइंट्स पे ये प्रेशर क्या होगा, एक समान होगा, कांस्टेंट होगा। जैसा भी प्रेशर, जैसी भी एनर्जी लगेगी इन सारे पॉइंट पर, कैसी लगेगी, एक जैसी लगेगी। यही बात कहता है क्या पास्कल के बारे में। और जो आप बड़े बड़े हाइड्रोलिक देखते हो, हाइड्रोलिक मतलब क्या बच्चे, हाइड्रोलिक मतलब क्या, जो भी आप क्रेन की बात करते हैं, जो हाइड्रोलिक है ये किस पे काम करता है? तो यह पास्कल थ्योरी पे, पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये किस पे कार्य करता है? यह पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। वेरी गुड सर, बताओ ना ग्रुप डी की परीक्षा कब होगी? अरे बोल तो दिया करे, परीक्षा होगी आपकी अप्रैल में। चलिए आइए आगे बात करते हैं, अगला सवाल देखते हैं, इसमें अगला ऑप्शन देखते हैं, अभी सवाल नहीं, कि आर्किमिडीज का सिद्धांत। बच्चे ध्यान देंगे,
कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है। जल्दी बताएंगे बच्चे कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है। जल्दी बताएंगे बच्चे कि जो आर्किमिडीज साहब थे उनका प्रिंसिपल क्या कहता है। तो ध्यान देंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है। अगर आपने किसी भी वाटर, जैसे मान लो कि मैंने एक वाटर पॉट लिया, मैंने ऐसे वाटर पॉट लिया और उस वाटर पॉट में मैंने क्या किया, उंगली डुबो दी। जैसे ही मैंने वाटर पॉट में उंगली डुबोई, जैसे आप इसको बोर्ड पे समझेंगे, बोर्ड पे समझेंगे कि ये क्या है, आपके सामने एक वाटर पॉट है, ये क्या है बच्चे, एक वाटर पॉट है और मैंने इसमें क्या किया, एक 5 kg, ऐसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं इसमें एक मैंने 5 kg का ऑब्जेक्ट डुबोया। जैसे मैं इसमें 5 kg का ऑब्जेक्ट डुबोऊंगा तो इसमें इसमें ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, तो बॉयंट बल, बॉयंट फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा। जैसे ये क्या भाई, जितने फोर्स का ये इसके अंदर पानी के अंदर जाएगा, उतने ही अमाउंट में यहां से पानी इस इसमें भर जाएगा। जितना बल, जितने बल का या जितने भी बॉयंट फोर्स की ऑब्जेक्ट आप पानी में डुबोगे, जितने भी बॉयंट फोर्स के ऑब्जेक्ट आप इसमें डुबोगे, उतना ही पानी इस वाले पात्र में क्या होगा, भर जाएगा। यही किसके बारे में बात करता है, यही बात करता है किसके बारे में, यही बात करता है किसके बारे में, ये है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। जैसे कि अगर मैं पार्शियली या पूरा अगर मैं डुबो दूं तो भी क्या होगा, उतने ही बल का क्या होगा उसमें, उससे पानी बाहर जाएगा। जो डिस्प्लेस्ड वाटर होगा, जो प्रति स्थापित पानी होगा, वो उतने लगाए गए प्रेशर के अकॉर्डिंग होगा, उतने लगाए गए प्रेशर के बराबर होगा। चलिए नेट नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, चलिए आइए अगले अगले सवाल पे हम बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है हमारा, जल्दी से कंप्यूटर साहब अगला सवाल लगाएंगे, कंप्यूटर साहब अगला सवाल लगाएंगे। क्या कहता है अगला सवाल, अगला सवाल कहता है लड़की, क्या कहता है भाई सवाल, जो अगला सवाल कहता है वो कहता है, अगर एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल, क्या बोल रहा है बच्चे, क्या बोल रहा है कि मान लो कि एक झूला है, ऐसे आपका क्या है भाई, एक झूला है और इस झूले पे एक कन्या क्या है भाई, एक कन्या विराजमान है, एक झूले पे एक कन्या विराजमान है और ये क्या कर रहा है, दोलन गति कर रहा है। दोलन गति क्या, ये जो मूवमेंट होती है, ये मूवमेंट जैसे यहाँ पे एक पेंडुलम है, इस पेंडुलम का इधर और इधर जाना, यही कहता है ऑसिलेशन। ये क्या कहलाता है, ऑसिलेशन, इसे कहते हैं कौन सी गति, इसे कहते हैं दोलन गति। तो ध्यान देंगे अगर कोई कन्या बैठी है इस पे और ये झूला झूल रही है, ये झूला झूल रही है और एकाएक, सर मुझे वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस नहीं आ रही है, जा रही है वॉइस, चलिए हाँ बच्चे अपना फोन चेक करेंगे, वॉइस जा रही होगी। ध्यान देंगे कि क्या ये क्या मतलब, अगर ये लड़की ये कन्या से बैठ के झूला झूल रही है तो क्या, अगर ये कन्या एकाएक इसके दिमाग में कुछ आया और ये क्या, ये नीचे उतरकर खड़ी हो गई, ये कन्या नीचे उतरकर ऐसे खड़ी हो गई, तो ये जो ऑसिलेटिंग बॉडी है इस पे क्या असर पड़ेगा, क्या इसमें कम हो जाएगा ये, या ऑसिलेशन ज्यादा हो जाएगा या अपरिवर्तित रहेगा। जल्दी से बताएंगे, या ये क्या होगा, आवर्तकाल 0 हो जाएगा या क्या होगा भाई, कम होगा, ज्यादा होगा, अपवर्तित रहेगा या दोलन रुक जाएगा। जल्दी बताएंगे, ए ए ए कम हो जाएगा। तो जितने बच्चे ए कह रहे हैं, जितने बच्चे ए कह रहे हैं, प्रतिष्ठा जी भी ए कह रही हैं, रूबी जी सी कह रही हैं, रूबी जी गलत हैं। क्या होगा, जो दोलन काल होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा, जो ऑसिलेटरी मोशन होगा, जो ऑसिलेटरी पीरियड होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा। तो क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि इसका भी एक प्रेशर था इसके ऊपर और उस प्रेशर की वजह से ये आगे और पीछे, अगर मैं बात करूं ये आगे और पीछे की तरफ मूव कर रही, जैसे ये इससे जंप कर गई, उतर गई लड़की, और जैसे ही उतरी इस पर अब प्रेशर कम अप्लाई हुआ तो इसके ऑसिलेटरी मोशन में क्या होगा, कमी आएगा। आपने अगर बचपन में झूला झूला होगा तो आप जैसे पैर से उस पे ऐसे मोशन लगाते थे, आप जैसे उसमें पैर से ऐसे मोशन लगाते थे, वो झूला धीरे धीरे तेज होता जाता था, ना कि वो झूला आपके वजन से कम होता था। जितना मोटा लड़का, जितनी मोटी लड़की झूले पे बैठती थी, वो जितना प्रेशर लगाती थी उसका झूला आगे पीछे उतना ही होता था। तो अगर ये लड़की एकाएक उतर जाएगी, तो अगर मैं बात करूं सच्चाई में, तो उसका मुंह फूट जाएगा, मुंह नहीं फूटना है, फिजिक्स की बात करेंगे तो उसका मुंह नहीं फूटेगा, क्या होगा, उसकी दोलन गति में कमी आ जाएगी। ठीक है, चलिए आइए कंप्यूटर साहब अगला सवाल लगाएंगे, कंप्यूटर साहब अगला सवाल लगाएंगे, कंप्यूटर साहब जल्दी से अगला सवाल लगाएंगे।
ये नॉलेज न्यूज कौन है यार, बदतमीजी नहीं क्लास में। चलिए सातवां सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है। तो ये सब ये आप सभी जानते होंगे कि सबसे भारी धातु कौन सी है। जल्दी से बताएंगे बच्चे, सबसे भारी धातु कौन सी है। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है। जल्दी बताएंगे बच्चे, इस सेशन को शेयर करेंगे और बताएंगे सातवें का कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है। जल्दी बताएंगे बी अदिति सिवहारे गलत हैं, आप अंकित कुमार गौतम सही हैं, राधा रमन कुमार जी गलत हैं। ध्यान देंगे बच्चे, इसको कम से कम इस सेशन को शेयर करते रहें, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं। चलिए बच्चे ब ब ब हाँ जी ध्यान देंगे, जो यूरेनियम बच्चे, जो आपके गिवन ऑप्शंस में से यूरेनियम सबसे भारी धातु है। क्या है भाई, यूरेनियम सबसे भारी धातु किसमें, आपके दिए हुए ऑप्शंस में से सबसे भारी धातु आपको क्या देखने को मिलेगी, यूरेनियम देखने को मिलेगी। अगर मैं तत्वों की बात करूं तो सबसे भारी तत्व कौन सा होगा, तो सबसे भारी तत्व आप क्या बात करोगे, ऑस्मियम। जो ऑस्मियम होता है ये सबसे भारी होता है, सबसे भारी वैसे तो ऑस्मियम होता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आपका यूरेनियम होगा। और जबकि सबसे हल्का धातु क्या होता है, तो जो लिथियम होता है ये सबसे हल्का धातु होता है, जबकि सबसे भारी धातु आपकी ऑस्मियम होती है। और दिए हुए ऑप्शन के हिसाब से यूरेनियम जो है ये क्या है भाई, सबसे भारी धातु का काम कर रही है। आप सभी से एक सवाल पूछता हूं मैं, आप मुझे बताएंगे कि यूरेनियम का कितने आइसोटोप और यूरेनियम का एटॉमिक नंबर, कमेंट आपके मैं चेक कर रहा हूं, जल्दी मुझे बताएंगे कि यूरेनियम का क्या भाई। हाँ अगला सवाल आएगा अदिति जी, आएगा उस पे, यूरेनियम का भाई क्या एटॉमिक नंबर कितना है, और साथ ही साथ यूरेनियम के कितने आइसोटोप्स हैं। जल्दी बच्चे, सरिया क्या ग्रुप डी के बेसिक बैच है बच्चे, ये ग्रुप डी एनटीपीसी आप जो भी दोगे उसके हिसाब से ये मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो जल्दी कंप्यूटर जी अगला सवाल लगाएंगे। चलिए अगला सवाल, आठवें नंबर का सवाल आपके सामने आ रहा है। क्या कह रहा है आठवें नंबर का सवाल, ध्यान देंगे। जो आठवें नंबर का सवाल है आपसे, ये यूरेनियम के ऊपर ही है। मैं यूरेनियम के बारे में कुछ आपको बताने वाला था, लेकिन मैंने जब अगला सवाल देखा तो मैंने इसको क्या कर दिया भाई, 93 92। विनय जी सही है, आर्को प्रोवो सही है, पवन कालिया जी गलत है, 93। चलिए ध्यान देंगे, अगला सवाल क्या कहता है हमसे, न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का प्रमुख कार्य क्या होता है। बच्चे जो न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का कार्य करते हैं, जो आप देखते हो न्यूक्लियर रिएक्टर, हेमंत चौधरी बकवास, थैंक यू बच्चे। जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है क्या भाई, न्यूक्लियर रिएक्टर अगर मैं बात करूं, क्या नाभिकीय अभिक्रिया क्या भाई, क्या कह रहा है यहां पे कि नाभिकीय अभिक्रिया में किसका कार्य बच्चे, तो नाभिकीय अभिक्रिया में किसका, मॉडरेटर होगा इसका कार्य क्या होता है। तो जल्दी बताएंगे बच्चे, नाभिकीय अभिक्रिया में क्या भाई मॉडरेटर का कार्य क्या होता है। तो जो बच्चे ग कह रहे हैं बिल्कुल गलत है, स कह रहे हैं गलत है, प्रतिष्ठा दुबे जी वेरी गुड बच्चे, वेरी वेरी गुड, जागृति शंकरवार सही हैं आप, के एम ज्योति जी सही हैं आप। क्या होता है भाई, जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर, आपके नाम से आप देख पा रहे हो, मॉडरेट मतलब कम करने वाला, लड़ाई झगड़े के पीछे मॉडरेटर होते हैं ना, मध्यस्थता करने वाले। तो जो मॉडरेटर होते हैं ये क्या करते हैं, ये न्यूट्रॉनों की गति को कम कर देते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो आपके मॉडरेटर होते हैं वो क्या करते हैं भाई, इसकी गति को कम कर देते हैं। और गति को कम कर देते हैं तो ध्यान देंगे, यूरेनियम का 92-235 प्रकार का जो आइसोटोप है, जो समस्थानिक है, कौन सा आपका, क्या यूरेनियम का जो समस्थानिक आइसोटोप, कौन सा आइसोटोप्स बच्चे, यूरेनियम 92-235, इसका प्रयोग नाभिकीय अभिक्रिया में। आरआरबी एनटीपीसी 2016 का ये सवाल है कि
कौन से यूरेनियम के आइसोटोप का प्रयोग न्यूक्लियर रिएक्टर के तौर पे होता है? तो 92-235 वाला जो यूरेनियम का होता है ये न्यूक्लियर रिएक्टर के तौर पे इस्तेमाल होता है, और जो इसमें प्रयुक्त तो मॉडरेटर होता है, जो मॉडरेटर होता है वो क्या करता है, न्यूट्रॉनों की गति को क्या कर देता है, कम कर देता है। अमित कुमार गौतम जी अपना नाम, अरे अमित कुमार गौतम को ब्लॉक करो यार फटाक से इसको। चलिए ध्यान देंगे सर, क्वेश्चन नहीं क्लियर है बच्चे, स्क्रीन आप वो कर लोगे, टर्न कर लोगे, कमेंट की आवश्यकता नहीं है। चलिए आइए अगले सवाल पे चलते हैं बच्चे। जो अगला सवाल है वो क्या कहता है, जो अगला सवाल है बच्चे बहुत कम हो आप सभी जल्दी शेयर करोगे, एनटीपीसी के क्वेश्चन है, आपके एग्जाम भी है आपके सर पे, बहुत ही अच्छे सवाल लेके आए हैं हम आपके लिए। चलिए बच्चे आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। क्या कहता है कि यदि एक कण का वेग, बच्चे ध्यान देंगे, बच्चे ध्यान देंगे, जो अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल सर ओनियन में ऐसा क्या होता है जो रेडियो एक्टिविटी रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेता है, बिल्कुल बताते हैं बच्चे आपको। चलिए ध्यान देंगे, चलिए आइए हम बात करते हैं इसमें क्या कि यदि एक कण का वेग अपने आरंभिक भाग का एक तिहाई कर दिया जाता है, क्या भाई यदि एक कण का वेग अपने आरंभिक मान का एक तिहाई कर दिया जाता है तो कण की गतिज ऊर्जा, जो गतिज ऊर्जा की बात करें हम, काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं गतिज ऊर्जा के बारे में बात करूं, यदि मैं आपके सामने किसके बारे में बात करूं, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करूं, तो काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, ध्यान देंगे काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये मार्कर को मैंने ऐसे छोड़ दिया, क्या कर दिया, ये मार्कर जो है मैंने ये छोड़ दिया, तो ये यहां से यहां आने में, ऐसे छोड़ने पे ये यहां से यहां आने में जो क्या करेगा, जो इसमें मूवमेंट होगी वही कहलाती है गतिज ऊर्जा। जब तक यहां पे है इसमें क्या है, स्थिर ऊर्जा है, इसमें क्या है, पोटेंशियल है कि ये यहां से यहां मूव कर सकता है, लेकिन जैसे इसको ऐसे छोड़ दिया गया, इसको छोड़ दिया गया तो इसमें जो मूवमेंट होगी वही गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। और आपको पता होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, आप सभी को पता होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर की बात करता है, क्या कहता है ये, यह हाफ एम वी स्क्वायर की बात करता है। तो इसमें क्या बोला है भाई कि यदि एक कण का वेग अपने आरंभिक मान के एक तिहाई कर दिया जाता है, अगर अपने आरंभिक मान के एक तिहाई कर दिया जाता है तो कण की गतिज ऊर्जा क्या होगी, बहुत ही आसान सा सवाल है, ख ख ख ख ख 1/9 टाइम्स, सभी बच्चे बिल्कुल सही हैं, जो ये क्या होगा हाफ एम बी स्क्वायर के फॉर्मूले के हिसाब से ये 1/9 टाइम्स में चेंज हो जाएगा, ये 1/9 टाइम्स में चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब इसमें गतिज ऊर्जा लगेगी तो ये इसके डबल पे चला जाएगा, 1/3 के स्क्वायर पे चला जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर जो मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे जो 3 था वो उसका स्क्वायर चला जाएगा 9 पे, तो ये क्या हो जाएगा 1/9 अपने वास्तविक से हो जाएगा। सर डीप राइटिंग बिल्कुल करते हैं, क्या होगा भाई इसमें ये बात चेंज हो जाएगी। चलिए चलिए बच्चे 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 आप जा कहाँ रहे हो, रुके रहेंगे, सवाल को देखते रहेंगे, और जल्दी से जिन बच्चों ने इस सेशन को लाइक नहीं किया है फटाक से लाइक करेंगे सेशन को, जल्दी से 100 पहुंचा दो लाइक की संख्या, लाइक की संख्या 100 पहुंचाओ और आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे जो अगला सवाल निकल के आता है, क्या निकल के आता है हमारे सामने, जो अगला सवाल निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, जल्दी से बताएंगे। जो अगला सवाल है ये कहता है क्या मुझसे, ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। आप सभी के सामने ऑप्शन आ गया क्या भाई, हाइड्रोजन, डीजल, कोयला और क्या भाई, कैरोसिन, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, कौन सा 10वें नंबर का सवाल जो है ये बहुत ही अच्छा सवाल है, जल्दी बताएंगे बच्चे, जल्दी बताएंगे बच्चे, इस सेशन को शेयर करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, जल्दी बताएंगे बच्चे कि निम्नलिखित में से कौन सा फ्यूल सबसे कम एनवायरमेंट, ए ए ए ए ए, सभी बच्चे बिल्कुल सही हैं, अरे प्यारे प्यारे चुन्नू मुन्नू लोग बिल्कुल सही हो, सभी मेरे हीरा लोग बिल्कुल सही हैं, जो बच्चे नाम ले रहे हैं किसका, हाइड्रोजन का, जो बच्चे हाइड्रोजन का नाम ले रहे हैं ये बिल्कुल सही है, जो हाइड्रोजन होता है ये लेस एयर पॉल्यूशन, ये क्या करता है, लेस एयर पॉल्यूशन
को प्रोड्यूस करता है सबसे कम वायु प्रदूषण करने वाला कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का नाम आया, तो आइए बात करते हैं हाइड्रोजन के बारे में। जो हाइड्रोजन है बच्चे, इसको क्या कहते हैं? इसे फ्यूचर फ्यूल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे फ्यूचर फ्यूल, भविष्य का ईंधन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। किसे भाई? हाइड्रोजन को। ऐसा माना जाता है कि भविष्य में कभी टेम्परेचर बहुत कम होगा, टेम्परेचर बहुत कम होगा, तो ये क्या होगा, ये रिएक्ट करके ये क्या होगा, इसका प्रयोग किया जाएगा। तो हाइड्रोजन जो है इसे भविष्य का ईंधन कहते हैं, इसे फ्यूचर फ्यूल कहा जाता है। जबकि इसके बारे में और बात करूं तो जो हाइड्रोजन है ये सबसे हल्की गैस है। ध्यान देंगे, सबसे हल्की गैस क्या है भाई? सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दे, क्या कर दे, आपके एग्जाम में सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दे, चेंज करके क्या बोल दे, सबसे हल्की क्या, अक्रिय गैस, सबसे हल्की अक्रिय गैस, तो आपका हाइड्रोजन नहीं रहेगा, तब वहां पे क्या होगा, हीलियम हो जाएगा। सबसे हल्की अक्रिय गैस हीलियम, जबकि सबसे हल्की गैस क्या भाई, आपकी कौन सी होती है, हाइड्रोजन होती है। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन, जबकि सबसे हल्की अक्रिय गैस हीलियम। हीलियम सॉरी हाइड्रोजन गैस को गुब्बारों में या जो आपके ये स्कूबा डाइवर्स होते हैं, गोताखोर होते हैं, इसको नहीं लेकर जाते हैं। क्यों नहीं लेकर जाते हैं? क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस होती है ये ज्वलनशील होती है, ये कंबस्टिबल होती है। ये कैसी होती है? ज्वलनशील होती है। कैसी होती है? कंबस्टेबल इन नेचर होती है। मतलब कंबस्टेबल मतलब ये इजिली फायर को कैच कर लेगी, इसमें आग बहुत ही आसानी से लग जाएगा। इसलिए हाइड्रोजन गैस को गुब्बारे में या फिर जो गोताखोर होते हैं, स्कूबा डाइवर्स होते हैं, इस गैस को नहीं लेकर जाते हैं। हाइड्रोजन के बारे में बात की जाए तो हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? आवारा तत्व कहा जाता है, क्योंकि इसकी स्टेट फिक्स नहीं, इसका पोजिशन फिक्स नहीं है। जो हाइड्रोजन गैस गैस इसे आवारा तत्व कहते हैं, क्योंकि इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है। ये कभी मेटल की तरफ बिहेव कर देगा, कभी नॉन मेटल की तरफ तरह ये बिहेव करता है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर कमी होती है तो कहां पे कमी देखी जाती है? हाइड्रोजन की अगर बात कर दें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की एक ही कमी, क्या, कि वह हाइड्रोजन की लोकेशन को नहीं बता पाया। क्यों? क्योंकि यह आवारा तत्व है, यह एक प्रकार का इसके स्टेट जो है वो फिक्स नहीं है। आइए कंप्यूटर महाशय जी अगला सवाल लगाएंगे, जल्दी लगाएंगे अगला सवाल। जो अगला सवाल है वो क्या कहता है भाई? चलिए अगला सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर आपको जो भी है वो आ गया, और जल्दी से इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे, जल्दी से इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। क्या है सवाल? सवाल यह है कि क्या भाई, सवाल यह है हमारे सामने कि लाल तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करने से क्या प्राप्त होता है? बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसका जल्दी जवाब देंगे। हाँ जी, कभी धातु कभी अधातु तरह कार्य करता है। चलिए, नमस्कार माई द्रोणाचार्य। अरे नहीं, अरे नहीं, ऐसा नहीं कहते। अगला सवाल क्या है? लाल तप्त कोक पे पर भाप प्रवाहित करने से क्या प्राप्त होता है? बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान देंगे। जब भी लाल तप्त कोक पर भाप प्रवाहित किया जाएगा, जब भी लाल तप्त कोक पर क्या प्रवाहित किया जाएगा, भाप प्रवाहित किया जाएगा, तो क्या प्राप्त होगा? जल गैस, जो वाटर गैस होती है उस समय प्राप्त होती है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CO प्लस H2। जो CO प्लस H2 ये किसका फॉर्मूला है? ये जल गैस का फॉर्मूला है। और ये कब प्राप्त होता है? जब भी लाल तप्त कोक, जो आपके रेड कोक होते हैं, जो आपका क्या रेड हीट कोक जो होता है, वो क्या करता है, स्टीम होने पर क्या प्राप्त करता है भाई? तो स्टीम होने पर जल गैस की प्राप्ति करता है। किसकी प्राप्ति करता है भाई? जल गैस की प्राप्ति करता है। चलिए, तो कंप्यूटर महाशय अगला सवाल लगाएंगे, कंप्यूटर वहां से फटाक से अगला सवाल लगाएंगे। घ घ घ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बच्चे, जल गैस, जल गैस, वाटर गैस। क होगा मुकेश बसेतिया जी, क होगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। जो अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रहा है वो क्या रहा है? 12वें नवंबर का सवाल, कि जब इस्पात को सुर्ख लाल गर्म किया जाता है एवं धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, तो यह प्रक्रिया क्या कही जाती है? ध्यान देंगे, बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही टॉप लेवल का सवाल है, इसका जवाब आप सभी देंगे। जो अगला सवाल है क्या भाई,
जल्दी बताएंगे, व्हेन स्टील इज ड्राइड रेट हॉट एंड कूल्ड स्लोली, मतलब क्या है कि कोई भी अगर धातु है इसको मैं बहुत ज्यादा गर्म कर दूं, बहुत ज्यादा गर्म करके फिर धीरे धीरे ठंडा करूं, बहुत ज्यादा गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है भाई? जल्दी बताएंगे अंकित कौन सर, वेयर आर यू फ्रॉम इन दिस टाइम? बच्चे इतनी इंग्लिश मुझे नहीं आती, ठीक है, वैसे मैं इस समय आगरे में हूं, लव यू सर जी, लव यू टू बच्चे। चलिए बच्चे बताएंगे कि जो क्या होगा भाई कि अगर किसी भी इस्पात को सुर्ख लाल गर्म, कोई भी स्टील है उसको बहुत ज्यादा गर्म किया जाए और धीरे धीरे ठंडा कर दिया जाए तो ये कौन सी प्रक्रिया होगी? जल्दी बताएंगे कौन सी प्रक्रिया होगी, बारहवें का जल्दी जवाब देंगे, कौन सी प्रक्रिया होगी? ग ग ग अभी कोई मुझे अभी कोई भी सही जवाब नहीं मिला है, मुझे अभी कोई भी सही जवाब नहीं मिला है, जल्दी से इसका जवाब देंगे। जब भी इस्पात को सुर्ख लाल गर्म किया जाए, जब भी इस्पात गर्म किया जाता है तो क्या होता है बच्चे, क्या होता है फिर इसको धीरे धीरे ठंडा किया जाए, स्मेल्टिंग। बच्चे नहीं, अभी तक मुझे इसका सही जवाब नहीं मिला, तो ध्यान देंगे जो अनिलन होता है, जो अनिलन की प्रक्रिया है, जो अनिलन की प्रक्रिया है यही कही जाती है। क्या बच्चे? जब भी सुर्ख लाल गर्म को, क्या इस्पात को जब धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो ये किया क्यों जाता है? ध्यान देंगे ये किया क्यों जाता है, इसको जो आपका इस्पात होता है, इस्पात यानी स्टील, स्टील की क्या बच्चे हार्डनेस यानी कठोरता को, हार्डनेस यानी कठोरता को कम करने के लिए ये प्रक्रिया की जाती है। कौन सी? अनिलन की प्रक्रिया। जब भी इस्पात की हार्डनेस को कम किया जाएगा तो क्या? अनिलन की प्रक्रिया, मतलब पहले उसे बहुत ज्यादा गर्म किया जाएगा और फिर उसे धीरे धीरे ठंडा किया जाएगा, ये प्रक्रिया क्या कही जाती है? ये प्रक्रिया अनिलन की प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है कि किसी भी तत्व क्या है या फिर इस्पात की कठोरता को कम किया जाता है। जो इस्पात होता है ये बहुत कठोर होता है तो इसकी कठोरता को कम करने के लिए, इसको मैलेबल बनाने के लिए, इसको तन्य बनाने के लिए क्या किया जाता है? अनिलन की प्रक्रिया की जाती है। चलिए बच्चे आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। पारस दुबे, प्रतिष्ठा दुबे, इसका मतलब है तुम्हें कटाकिंग का। चलिए बच्चे आइए अगला सवाल लगाएंगे, अगला सवाल देखेंगे हम, बहुत ही अच्छा सवाल है जो अगला सवाल है। चलिए आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं बच्चे। अरे बच्चे पढ़ने आए हो पढ़ लो, ठीक है, पढ़ने आए हो पढ़ लो, ध्यान देना किस्मत को कभी मत रहना, किस्मत कभी साथ नहीं देती, किस्मत भी उनका ही साथ देती है जो क्या करते हैं भाई, जो क्या करते हैं, जो अपने ऊपर भरोसा करते हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं, किस्मत भी उनका साथ देती है हमेशा। जो किस्मत है वो वीरों का साथ देती है, कायरों का किस्मत साथ नहीं देती। जिसके अंदर रिस्क लेने की कैपेसिटी होगी उसके साथ ही लक चलेगा, ध्यान रखना लक हमेशा रिस्क के साथ चलता है और रिस्क हमेशा वीर लेते हैं, तुम्हारे से बेवकूफ नहीं, ठीक है, बकलोल कहीं का। चलो आज वो ध्यान देंगे, अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है भाई, सेम सरनेम है सर तो क्या करा दूं, राखी बनवा दूं तुमको, बेवकूफ कहीं का। ध्यान देंगे, कौन सा उर्वरक तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अमोनिया गैस संसाधित करने से तैयार होता है? विच फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड बाई प्रोसेसिंग अमोनियम गैस विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, है ना? ध्यान देंगे इसका, ये जो आपका बच्चे आप तो अपना फोन थोड़ा सा टर्न कर लेंगे, ध्यान देंगे कि विच फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड बाई प्रोसेसिंग अमोनियम गैस विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो ध्यान देंगे अमोनिया सल्फेट, जो आप ऑप्शन डी देख पा रहे हो, अमोनिया सल्फेट, बहुत ही अच्छा सवाल है ये और ये आपके एग्जाम में कल आने वाला है। जो अमोनिया सल्फेट है ये एक प्रकार का क्या है भाई, फर्टिलाइजर है, ये एक प्रकार का फर्टिलाइजर है, क्या है, उर्वरक है, ये एक प्रकार का उर्वरक है जो किससे प्राप्त होता है, ध्यान देंगे तो ये किससे प्राप्त होगा, ये अमोनिया गैस संसाधित, जब भी अमोनिया गैस निकाली जाती है तो इसका घ नहीं बच्चे घ, ठीक है, घ से होता है ये, ठीक है, तो अमोनियम सल्फेट उर्वरक का जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है और अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, NH4 का होल ट्वाइस SO4, ये अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला है, NH4 का होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला है और ये अमोनिया गैस संसाधित करने के लिए किया जाता है। चलिए बच्चे आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं, अगला सवाल लगाएंगे,
अगला सवाल बच्चे फटाक से लगाएंगे। गुड इवनिंग किशोर जी, गुड इवनिंग। चलिए आप मेरे साथ बने रहेंगे बच्चे, अपने जब तक आपके ग्रुप डी के एग्जाम नहीं हो जाते आप मेरे साथ बने रहेंगे। आपके साइंस में 25 में से 25 दिलाने की जिम्मेदारी मेरी, इतने क्वेश्चंस करा दूंगा कि आपके 25 में से 25 आना फिक्स है। आप निश्चिंत रहें, आप जो मैं यहां बता रहा हूं, उसका जो मैं आपको टॉपिक पॉइंट लिखा रहा हूं उसको अपनी कॉपी में नोट करते रहेंगे और क्लास को डेली करते रहेंगे, आपका सिलेक्शन 100% होगा। चलिए चलिए बच्चे ध्यान देंगे। अगला सवाल क्या है भाई, अगला सवाल, जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो सर प्लीज जूम कर दो। बच्चे देखो कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, अपने फोन को रोटेट कर लोगे तो आपको क्वेश्चन बड़ा दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ज्योति जी कह रही है डी, क्या कह रहा है भाई, जब सोडियम फ्लोरीन के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है तो जल्दी बताएंगे तो क्या होगा, तो उस अयस्क के साथ क्या होगा, जल्दी से जवाब देंगे। बहुत ही अच्छा सवाल अदिति शिवहारी जी, प्राउड ऑफ यू बच्चे, बच्चे प्राउड ऑफ यू, बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही अच्छा आपका जवाब है अदिति जी, प्राउड ऑफ यू। चलिए बच्चे बहुत बेहतरीन, इस तरह के द्रव्य से बना हुआ यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। ध्यान देंगे जो कंपाउंड बनता है, जो कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है ये क्या होता है, ऐसा जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब विद्युत का सुचालक होगा। जो कंपाउंड ऐसे बनेगा तो वो गलित अवस्था में, ऐसा बना हुआ कंपाउंड किस अवस्था में, गलित अवस्था में किस तरीके से कार्य करेगा, विद्युत की तरह बड़े बड़े शब्दों में लिखो, ठीक है मैं बड़ा बड़ा लिख दूंगा, जो भी यौगिक इस प्रक्रिया से बनता है तो किसका कार्य करता है, वो विद्युत के सुचालक का कार्य, वो क्या करता है भाई, वो विद्युत के सुचालक का कार्य करता है। चलिए बच्चे अगले सवाल पे करते हैं, चलिए बच्चे अगले सवाल पे बढ़ते हैं, अगला सवाल चलिए लगाएंगे बच्चे अगला सवाल। जो अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्रुवण होता है, पोलराइजेशन होता है, जल्दी बताएंगे बच्चे पोलराइजेशन होता है, जल्दी बताएंगे पोलराइजेशन की जो प्रक्रिया होती है, ध्यान देंगे बच्चे जो पोलराइजेशन की प्रक्रिया होती है, पोलराइजेशन, ये आपके एनटीपीसी का सवाल है, ये आपके एनटीपीसी का सवाल है, बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछने वाला है कि भाई क्या जो ध्रुवण की प्रक्रिया होती है ये किसमें होती है भाई, जल्दी बताएंगे, अनुधैर्य अनुप्रस्थ दोनों में, किसी में नहीं, जल्दी बताएंगे दोनों में, गलत हैं बच्चे 15वें का, गलत हैं दोनों में, गलत हैं ख ख ख अनुधैर्य वाले भी गलत हैं, सी ख, जल्दी जवाब आया सही वाला, निव्या जी का सही जवाब आ गया। पोलराइजेशन किसमें होता है भाई, तो यह अनुप्रस्थ तरंगों में, किसमें होता है अनुप्रस्थ, किसमें भाई ट्रांसवर्स, ये किसमें होगा ट्रांसवर्स वेव्स में होगा, अनुप्रस्थ तरंगों में कौन सी प्रक्रिया होती है, ध्रुवण की प्रक्रिया होती है। ध्यान देंगे ध्रुवण पोलराइजेशन और अनुप्रस्थ तरंगों का क्या मेल है, इन दोनों में क्या बनता है, ध्यान देंगे बोर्ड पे सभी बच्चे, अभी 2 मिनट के लिए कमेंट करना बंद कर देंगे और बोर्ड पे ध्यान देंगे। क्या है भाई, अगर मैं मान लो ऐसे एक रस्सी खींचूं, मैं एक ऐसे रस्सी बांध दूं और एक शरारती सा बच्चा कूदता हुआ एक शरारती सा बच्चा वो क्या करे इस रस्सी को नीचे खींच दे तो क्या होगा बच्चे, ध्यान देना, इस रस्सी के साथ एक मूवमेंट हो जाएगी। कैसी मूवमेंट, कुछ इस प्रकार की मूवमेंट इस रस्सी में आप देख पाओगे, और इस मूवमेंट में क्या होगा कि जो कण इस रस्सी पर मौजूद होंगे वो ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, कुछ ऐसे इस कणों में हो जाएगा, और ध्यान देंगे ये कण किसी ना किसी पॉइंट पर जाकर क्या भाई आपके मीन पोजीशन होगी जो आपकी साम्य स्थिति होगी, तो किसी ना किसी पॉइंट पर जाकर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यही अनुप्रस्थ तरंगों के साथ होता है। और सेम प्रक्रिया किसमें होती है, पोलराइजेशन की प्रक्रिया में सेम चीज होती है, ठीक है,
ये एंटरटेनमेंट अनलिमिटेड ब्लॉक मारो, ये सेम प्रक्रिया किसमें होगी, आपके पोलराइजेशन में होगी, ठीक है। और ध्यान देंगे जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ध्यान देंगे अनुप्रस्थ तरंगे किसका एक उदाहरण है, प्रकाश तरंगों का उदाहरण है, जबकि अनुदैर्ध्य तरंगे किसका उदाहरण है, तो ये ध्वनि तरंगों का उदाहरण है। जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं ये प्रकाश तरंगों का उदाहरण है, जबकि जो क्या है बच्चे, जो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं ये ध्वनि तरंगों का उदाहरण है। अगर बच्चे आप अगर एग्जाम में कंफ्यूज होते हो और आपसे पूछे कि प्रकाश तरंगे हैं कैसी तरंगे हैं, कुछ नहीं याद करना है, प्रकाश में भी प्र, अनुप्रस्थ में भी प्र, प्र प्र मतलब क्या, प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, और ध्वनि तरंगे कैसी भाई, अनुदैर्ध्य तरंगे। अगर आपके एग्जाम में ऐसे सवाल पूछ दे कि ध्वनि तरंगे कौन सी हैं, तो आपको कुछ नहीं याद रखना है, ध से ध्वनि, ध से धैर्य, तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए तो अगला ऑप्शन लगाएं, अगला सवाल लगाएंगे बच्चे, अगला सवाल फटाक से लगाएंगे और बच्चों के साथ उस सवाल को मैं डिस्कस करता हूं। अगला सवाल लगाएंगे, क्या है भाई अगला सवाल, अगला सवाल क्या है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे जो सवाल आ रहा है, अगला सवाल बहुत ही प्यारा सवाल देख पा रहा हूं मैं, क्या है वो सवाल, सवाल है आपका कि रेल की पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पट्टे स्लीपर्स लगाए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं, जल्दी बताएंगे बच्चे, कि रेल की पटरियों के नीचे जो स्लीपर्स लगाए जाते हैं, जो पट्टे लगाए जाते हैं, वो क्यों लगाए जाते हैं, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे बच्चे, जो जो रेल की पटरियों में जो स्लीपर लगाए जाते हैं, मतलब जैसे आप देख पा रहे हो ये रेल की पटरियां आपने हमेशा देखी होंगी, ऐसे इसके स्लीपर्स होते हैं, ये पट्टे लगाए जाते हैं लकड़ी के, ये क्यों लगाए जाते हैं, तो जल्दी से इसका जवाब देंगे, जल्दी जल्दी जवाब देंगे इसका, जल्दी जवाब देंगे इस सवाल का, जल्दी जवाब देंगे, सी, तरुण जी का जवाब आ गया, वेरी गुड बच्चे, तरुण जी का जवाब आ गया और सी जवाब बिल्कुल सही है। जब रेल की पटरियां, आपको पता है कि रेल के पास बहुत, रेल का खुद का बहुत वेट है और वो एक स्पीड से उससे गुजरेगी तो वो नीचे प्रेशर की तरफ लगाएगी, तो जो लकड़ियां होती हैं वो लकड़ियां किसकी होती है, टिम्बर, ध्यान देंगे रेल की पटरियों में जो लकड़ी का इस्तेमाल होता है वो टिम्बर होता है, ये टिम्बर होता है, टिम्बर प्रकार की लकड़ी होती है, और ये लकड़ी क्या करती है कि जो रेल द्वारा दबाव उत्पन्न किया गया है, जो भी रेल के द्वारा दबाव क्या किया गया है भाई, उत्पन्न किया गया है, तो उस दबाव को क्या करने का भाई, कम करने के लिए ये प्रक्रिया की जाती है। शिखा दुबे जी बिल्कुल सही है। चलिए बच्चे अगला सवाल लगाएंगे, अगला सवाल लगाएंगे कंप्यूटर वहां से, अगला सवाल देखेंगे, ये सवाल का जवाब देने वाले को भाई मैं जान दूंगा कि हाँ वो सिलेक्शन के लायक है। बहुत ही अच्छा सवाल है अगला, ये मेरा पर्सनल फेवरेट सवाल है, ये मेरा पर्सनल फेवरेट सवाल है अगला सवाल जो आपके टीवी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है, जो बच्चे इसका जवाब देंगे वो मेरे पर्सनल, ये मेरा पर्सनल फेवरेट सवाल है, जल्दी बताएंगे बच्चे, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किसके द्वारा मापी जाती है, जल्दी बताएंगे। थैंक यू शिखा जी, जल्दी बताएंगे बच्चे, एक उड़ते हुए चक्का, अगर कोई चक्का है वो उड़ रहा है, ऐसे से उड़ रहा है, तो उसमें जो घूर्णन हो रहा है, जो उसमें आपका रोटेशन हो रहा है, ये किसके द्वारा मापा जाता है, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे, बी बी बी, एनेमोमीटर नहीं, बैरोमीटर नहीं बच्चे, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल मैं लेके आया हूँ, बहुत ही टॉप लेवल का सवाल, आसान क्वेश्चन में कभी नहीं करा था, जल्दी बताएंगे, बी बी बी, एनिमोमीटर, अरे नहीं रे बदला बालक, नहीं बिल्कुल नहीं बालक, जल्दी बताएंगे बालक, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे बालक, तो ध्यान देंगे जो जो स्ट्रोबोस्कोप है, जो ऑप्शन डी है, एक भी बच्चे, हाँ ये गुरुकुल पढ़ी, जो गुरुकुल पढ़ी जी हैं, निवास निव्या शिवा श्रीवास जी हैं, शिखा दुबे जी, ये जितने ही बच्चे डी ऑप्शन कह रहे हैं, तो जो डी ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। अगला सवाल लगाएंगे कंप्यूटर महाशय, अगला सवाल लेके आएंगे, बहुत अच्छा सवाल है अगला वाला भी, अगला सवाल लगाएंगे भाई हाइग्रोमीटर, बच्चे ध्यान देंगे जो हाइग्रोमीटर होता है, जो ऑप्शन सी कह रहे हैं बच्चे, ये आर्द्रता को मापने के लिए होता है, जो सापेक्ष आर्द्रता होती है उसको मापने के लिए हाइग्रोमीटर होता है, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे बच्चे क्या है, अगला सवाल आपके टीवी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे क्या, कि निम्नलिखित में से कैपिलरी निम्नलिखित में से किसके लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है, ध्यान देंगे निम्नलिखित में से किसके लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है,
मतलब केशिकत्व तो है लेकिन केशिकत्व के साथ और भी कोई प्रोसेस लगी हुई है। जल्दी बताएंगे बच्चे, 18वें का जवाब जल्दी बताएंगे। जल्दी बताएंगे बच्चे, जल्दी बताएंगे बच्चे। इसे जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, सूती के कपड़े के ऊपर पानी की बूंदों का फैलना। ऑप्शन बी, बी सुषमा सुषमा बहमनिया जी, के एम ज्योति जी। तो जो बच्चे बी जवाब दे रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं, बहुत ही अच्छे बच्चे, बहुत ही शानदार। जो बच्चे बी जवाब दे रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि जो जमीन के पानी के ऊपर उठने की प्रक्रिया होती है इसमें कैपिलरी होता है। मैं बिल्कुल मानता हूं कैपिलरी होता है, क्योंकि जब भी कोई चीज चढ़ने की बात की जाए तो उसमें कैपिलरी होता है, लेकिन साथ साथ इसमें प्रेशर भी अप्लाई होता है। मतलब सिर्फ अकेला अकेला बच्चे आपका क्या कैपिलरी एक्शन इसमें पानी के राइजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। कैपिलरी एक्शन एक सीधे में या फिर किसी के संपर्क में आने से वो बढ़ता है, लेकिन ये जो है भूमिगत जल का बढ़ना या भूमिगत जल का ऊपर की तरफ आना, ये क्या है, ये इसमें सिर्फ और सिर्फ कैपिलरी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन बाकी जो आप ऑप्शन देख पा रहे हो उन सब में सिर्फ और सिर्फ कैपिलरी लग रहा है, उसके साथ कुछ और प्रक्रिया नहीं लग रही है। अगला सवाल लगाएंगे कंप्यूटर महाशय, मैं ही कट जा रहा हूं इसमें तो। अगला सवाल लगाएंगे कंप्यूटर महाशय, अगला सवाल आपके सामने निकल के आ रहा है बच्चे, क्या कि छोटे रंगीन टुकड़ों से बचने के लिए आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला यंत्र। चलिए चलिए बच्चे जल्दी बताएंगे, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। जो अगला सवाल आप देख पा रहे हो वो भी बहुत अच्छा सवाल है, जल्दी जल्दी हम सवाल को करेंगे। आ गया, तो इसका जो सवाल का जवाब होगा वो क्या होगा, कैलिडोस्कोप। जो कैलिडोस्कोप ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल इसका जो ऑप्शन ए होगा वो बिल्कुल सही होगा। जो कैलिडोस्कोप होगा इसका बिल्कुल भी सही जवाब होगा, बिल्कुल ही सही जवाब क्या होगा, जो कैलिडोस्कोप होगा वो इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। अति जी वेरी गुड, बच्चे बहुत अच्छे हैं आप, बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं आप। जो कैलिडोस्कोप होता है ये छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला सवाल लगाएंगे बच्चे, जल्दी से अगला सवाल लगाएंगे, समय की बहुत कमी है। अगला सवाल लगाएंगे, अगला सवाल क्या है भाई, कि दूध की शुद्धता को मापने के लिए, किसके लिए भाई, दूध की शुद्धता को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि लैक्टोमीटर, जो लैक्टोमीटर होता है इसका प्रयोग किसके लिए होता है बच्चे, तो दूध की शुद्धता को मापने के लिए। दूध की शुद्धता को मापने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, तो आपके लैक्टोमीटर का प्रयोग दूध की शुद्धता को मापने के लिए होता है। जल्दी से बच्चे अगला सवाल लगाएंगे, अगला सवाल लगाएंगे जल्दी से, 21 नंबर क्वेश्चन लगाएंगे, 21 लगाएंगे। चलिए बच्चे बताएंगे, अगला सवाल है कि नाभिकीय रिएक्टर में D2O, जो आपको बच्चे क्या है, जो D2O है ये नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग करता है। ध्यान देंगे D2O एक प्रकार का मॉडरेटर है, बस यही आपका जवाब होगा। जो मॉडरेटर यानी मंदक का कार्य करेगा कौन, आपका D2O एक नाभिकीय रिएक्टर में। और ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ये आपके एग्जाम में आएगा, 100% आएगा, किसी ना किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। जो D2O है ये मॉडरेटर के रूप में कार्य करता है, किसके रूप में कार्य करता है, मॉडरेटर मतलब मंदक के रूप में कार्य करता है कौन, आपका D2O। ठीक है, अगला सवाल लगाएंगे बच्चे, अगला सवाल लगाएंगे फटाक से। अगला सवाल क्या कहता है, एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहां पे होती हैं। मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहां पे होती हैं, जल्दी से बताएंगे। ये मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां, बहुत ही आसान सवाल है। आपके हार्ट, जो आपका हार्ट है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता है, जो आपका हर्ट है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता है, आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलता है, या आपके बिना इच्छा मतलब वो अपनी इच्छा के अनुसार, इसे अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। तो जो आपका हर्ट है वो क्या अनैच्छिक क्रिया से चलता है, तो इसका जवाब सही क्या होगा, जो हर्ट की जो मांसपेशियां हैं वो क्या होती हैं भाई, अनैच्छिक क्रिया को करती हैं। और मसल, जो मसल्स होते हैं, जो मांसपेशी होती है, मांसपेशी में कौन सा प्रोटीन, तो मांसपेशी में मायोसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, और मांसपेशी की स्टडी को मायोलॉजी कहते हैं। मांसपेशी की स्टडी को मायोलॉजी, और मांसपेशी में कौन सा प्रोटीन, तो आपका मायोसिन। सबसे बड़ी मांसपेशी मैक्सिमस, सॉरी सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस, और सबसे लंबी मांसपेशी मैक्सिमस। सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस और सबसे लंबी मांसपेशी मैक्सिमस होती है। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं बच्चे, अगला सवाल
जल्दी से सेशन को शेयर करते रहेंगे और अगले सवाल पे हम फटाक से बढ़ते हैं। जो अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, एक ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, एक ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, जल्दी बताएंगे एक ट्रांसफार्मर किस तरीके से प्रयोग होता है। आपको मैं बताऊं तो ट्रांसफार्मर होता क्या है, ध्यान देंगे आप, ट्रांसफार्मर क्या होते हैं भाई, दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक भाई क्या ऐसा, ध्यान देंगे इस ट्रांसफार्मर में जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, जितने ज्यादा फेरों की संख्या होगी इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में, उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। और इस ट्रांसफार्मर को कहते हैं कैसा ट्रांसफार्मर, इसको कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसे कैसा ट्रांसफार्मर कहते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और इसका प्रयोग कहां पर होता है, घरों में किया जाता है। आपके घरों में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल होता है, जबकि अगर मैं बात करूं जिसमें इस साइड नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे, इधर फेरों की संख्या ज्यादा होगी, उसे कौन सा ट्रांसफार्मर कहते हैं, इसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। और इसका प्रयोग कहां पे होता है, कॉमर्शियल यूज में इसका इस्तेमाल होता है, ये कॉमर्शियल यूज में होता है, बड़े बड़े बिल्डिंगों में होता है, कॉमर्शियल यूज में इसका इस्तेमाल होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर का, जबकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल घरों में होता है। और आपके ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है भाई, तो आपके ट्रांसफार्मर का काम होता है किसका भाई, क्या वोल्टेज के मान को बदलना। ध्यान देंगे ये वोल्टेज रेगुलेट करने का कार्य करता है, मतलब ये जो करंट होती है, जो 23 का ऑप्शन डी होगा, जो करंट आपके घरों में फ्लो करती है उसके वोल्टेज, मतलब ज्यादा वोल्टेज का करंट आएगा कि कम वोल्टेज का करंट आएगा, इसको रेगुलेट करने का कार्य कौन करता है, ट्रांसफार्मर करता है। हमारे घरों में लगा हुआ ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। लेकिन ऐसा ट्रांसफार्मर जो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज हो रहा है वो कैसा ट्रांसफार्मर होता है, वो स्टेप अप प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। चलिए बच्चे आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं, चलिए बच्चे अगले सवाल में बढ़ते हैं। जो अगला सवाल है वो क्या है भाई, कि वी वोल्टेज सप्लाई करने पर तीन शाखाएं समांतर में जुड़ी हैं, कौन सा परिमाण समान होगा। बहुत ही आसान सवाल भाई, क्या बोल रहा है, समानांतर में जुड़ी हैं, मतलब पैरेलल की बात कर रहा है। तो ध्यान देंगे बच्चे, जो सीरीज होती है, जो श्रेणी होती है, सीरीज दो प्रकार की होती है, एक आपकी होती है कौन, सॉरी जो आपकी भाई क्या, अरे बात करूं जो समानांतर जुड़ी है, देखो ध्यान देंगे, अगर मैं पैरेलल सीरीज की बात करूं तो इसका इस्तेमाल कहां पे होता है, आपके घरों में होता है। आपके घरों में पैरेलल से क्या निकलती है भाई, आपके घरों में अगर मैं बात करूं क्या निकलती है भाई, आपके घरों में पैरेलल से जो पैरेलल सीरीज लगी होती है, और इसमें क्या होता है भाई, इसमें फेज डिफरेंस होता है। ध्यान देंगे पैरेलल में हमेशा फेज का अंतर होता है, इसमें फेज डिफरेंस होता है, यानी अगर मैं बात करूं फेज में अंतर होता है, जबकि सीरीज में अगर कुछ इस प्रकार से लगा है, अगर सीरीज में लगा है तो वहां पे क्या होगा भाई, वहां पे क्या कांस्टेंट होगा, वहां पे धारा में अंतर होगा। ध्यान देंगे अगर कोई श्रृंखला सीरीज में है, सीधे चल रही है, तो उसमें उसके इलेक्ट्रिक करंट में डिफरेंस होगा, और अगर पैरेलल चल रही है तो किस में डिफरेंस होगा भाई, उसके फेज में, उसके विभवांतर में, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अलग होगा। जबकि अगर अगर वोल्टेज सप्लाई किया जा रहा है, अगर वो सीरीज में, तो उसमें क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रिक करंट डिफर करेगा, और अगर पैरेलल में किया जा रहा है तो वो किस में होगा भाई, वो आपके पोटेंशियल डिफरेंस में होगा। और अगर पैरेलल सीरीज की बात की जाए, अगर बच्चे मैं पैरेलल सीरीज की बात करूं, तो इसका इस्तेमाल आपके घरों में स्विच में होता है, जो स्विच होती है आपके घरों की, जो घरों में स्विच, जो टेबल पंखे कुर्सियां टेबल भी नहीं, पंखे कूलर एसी जो चलता है, ये पैरेलल में जुड़ा हुआ होता है। लेकिन वहीं पर आप जो लड़ी लगाते हो दीपावली के समय में, जो आप लड़ियां लगाते हो, वो लड़ियां आप किसमें ऐड करते हो, वो आप सीरीज में ऐसे जोड़ते हो। और अगर पैरेलल की बात की जाए, तो जो पैरेलल होता है वो क्या, वो स्विच में होता है। किसके स्विच में भाई, क्या पंखा कूलर और आपके टीवी, इन सबके स्विचों में इस्तेमाल होता है। अगला सवाल देखते हैं बच्चे, जो आप अगला सवाल देख पाओगे, और ये आखिरी सवाल है आज का आखिरी सवाल क्या कहता है, शोषण विधि में रेफ्रिजरेंट का प्रयोग होता है, एब्जॉर्प्शन में रेफ्रिजरेंट का प्रयोग होता है। ध्यान देंगे तो फ्रियोन गैस,
ध्यान देंगे, आपके घरों में फ्रियोन गैस का इस्तेमाल होता है। जो आपके घर घरों में जिस गैस का इस्तेमाल होगा वो कौन सी गैस? कूलिंग के लिए, कूलिंग के लिए, ठंडक प्रदान करने के लिए, शीतलता प्रदान करने के लिए कौन सी गैस? तो फ्रियोन गैस का प्रयोग होता है। अगर आप मुझसे कहोगे तो मैं अभी आपको क्या एसी बनाना सिखा दूंगा, तुरंत तुरंत मैं आपको क्या भाई एसी बनाना सिखा दूंगा। तो कितने बच्चों को एसी बनाना सीखना है जल्दी बताएंगे, कमेंट करेंगे कि हाँ सर हम एसी बनाना सीखना चाहते हैं। तो मैं फटाफट से आपको बताऊंगा कि एसी कैसे बनती है, जल्दी कमेंट करेंगे यस सर तो मैं बताऊंगा आपको। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे तो मैं आपको एसी बनाना अभी सिखाऊंगा। चलिए, आपके पहली बार लाइव चैनल पे मैं आपको एसी बनाना सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बताएंगे। किसी बच्चे कमेंट आए? यस, तो नहीं, तरुण जी का भाई आ गया। यस सर बताइए। देखिए, आप अपने घरों में क्या करो, जो पंखा है, जो आप क्या करें, आपके घरों में जो पंखा है, जो टेबल फैन है, उसको लेकर आओ। और टेबल फैन में क्या, जो वहां पे आप उसमें डंडियां देख पा रहे हो, उन डंडियों में क्या करो, बस कुछ नहीं, एक हॉलो डंडी, जैसे मान लो जो डंडी है उसे हॉलो कर लो, खोखली कर लो। उस खोखली खोखले में क्या कर लो आप, कर लो क्या, उस खोखले में क्या कर लो आप, फ्रियोन का इस फ्रियोन गैस को भर दो। जो फ्रियोन गैस होती है वो बहुत ज्यादा कूलिंग करती है। और अगर आप क्या करोगे, अगर उस फ्रियोन गैस के आप अपने पंखे में फ्रियोन गैस को भर दोगे तो क्या होगी, जब वो पंखा चलेगा तो फ्रियोन गैस की वजह से वो बहुत ही ज्यादा क्या करेगा, कूलिंग करेगा। और जैसे वो कूलिंग करेगा तो आपको पता है जब वो कूलिंग करेगा तो किस तरीके से कार्य करेगा भाई, वो एसी के तरीके से कार्य करेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपके घर में जो पंखे लगे हैं एक हॉलो रॉड बना लो, उस हॉलो रॉड में आप क्या कर लो, फ्रियोन गैस को भर लो। आप क्या करो भाई, उस आप क्या करो, फ्रियोन को भर लो। और जैसे आप फ्रियोन भर लोगे तो क्या होगा, वो कूलिंग करना चालू कर देगा। और आप कहते हो कि फ्रिज कहाँ, क्या आपका एसी खराब हो गया, ये हो गया, वो, ऐसा कुछ नहीं होता। वो हॉलो रॉड्स होती हैं, उनमें ही आपका क्या, फ्रियोन गैस भरी जाती है और कोई चीज नहीं होती। फ्रियोन गैस तो कॉस्टली होगी, अरे नहीं बच्चे, कॉस्टली नहीं होती। आप जो अपने घरों में गैस भरवाते हो ये 4000 रुपए आपसे एक बार में रिफिलिंग कर लेता है। ध्यान देंगे, जो आप फ्रियोन गैस घरों में भरवाते हो ये 4000 रुपए आपसे लेता है एक बार का रिफिलिंग का अपने एसी में। और आप मार्केट से खरीदोगे तो यह 1200 रुपए की पड़ती है। आपसे देखे कितना ज्यादा आपको लूटा जाता है। जो फ्रियोन गैस की जो प्राइस है वो 1200 रुपए है, लेकिन आपसे जो एसी में जो भरी जाती है, जो आपका आता है बनाने वाला एसी बनाने वाला, वो 4000 रुपए आपसे ले लेता है। तो ध्यान देंगे, आप ये फिलिंग खुद से भी कर सकते हो। आप मार्केट से फ्रियोन गैस सिलेंडर लाओ, आप उसमें अटैच कराओ, उसमें क्या करो भाई, फ्लो करा दो और आपके एसी में दोबारा गैस आ जाएगी। मतलब गैस नहीं, वो जो फ्रियोन है वो दोबारा आ जाएगा। और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है, वो दोबारा से फ्रियोन गैस आपके आप भर सकते हो बहुत इजीली। मैं अपने घर पे खुद करता हूँ, आप भी कर सकते हो। और अपने घर पे एसी का मजा लो पंखे से, ठीक है, हॉलो टाइप का सिलेंडर लगा दो और उस हॉलो सिलेंडर से आप क्या करो, एयर को पास करा लो। जैसे वो एयर पास होगी वो आपको ठंडी हवा देने लगेगा। और आपको पता है कि जैसे ही अब आप देखते हो कि एसी से पानी क्यों निकलता है, आपके सभी दिमाग में ख्याल आता है एसी से पानी क्यों निकलता है। तो जब वो फ्रियोन गैस इतनी ठंडी होती है, जैसे वो हमारे एनवायरमेंट में आती है वो क्या होती है, गर्म हो जाती है। जैसे वो गर्म हो जाती है क्या होता है, जैसे वो गर्मी के साथ जुड़ेगी तो आपको पता है कि जब भी बर्फ नॉर्मल टेम्परेचर में पिघलना चालू होती है तो वहीं जो फ्रियोन गैस होती है वो भी मेल्ट होना चालू होती है। इसलिए जो आपकी एसीज होती है, जो एसी होता है, एसी से क्या निकलता है भाई, पानी गिरता है। आप कहते हो कि एसी मतलब एसी से पानी निकलता है, वो पानी ओली नहीं निकलता। जैसे ही फ्रियोन गैस एयर के टेम्परेचर सॉरी आपके एटमोसफेयर के कॉन्टेक्ट में आएगी तो क्या होगा, उसके साथ ये बातें होंगी। चलिए बच्चे, तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपना सिलेक्शन कंफर्म करें। और जल्दी से इस सेशन को क्या कर दें, लाइक कर देंगे, जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे, ठीक है। आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।